आज हम बना रहे हैं मिक्स वेजिटेबल, और मिक्स वेजिटेबल हम बनाएंगे 5 स्टार के स्टाइल में। सबसे पहले हम सब्जियों को दम लगाएंगे, तेल हमारा गर्म हो गया है। सबसे पहले हम डालेंगे अजवाइन 1/2 चम्मच है, और अब डालते हैं गाजर, बीन्स, गाजर 100 ग्राम है, बीन्स भी 100 ग्राम, और 200 ग्राम गोभी, 100 ग्राम बेबी कॉर्न, 100 ग्राम मटर और 100 ग्राम मशरूम। होटलों में मिक्स वेजिटेबल अलग अलग सब्जियों से बनती है, मैंने इन सब्जियों को लिया है, आप भी अपने अनुसार सब्जियों का चयन कर सकते हैं। अब हम इसे दम पे लगाएंगे, और मैं डाल देता हूँ सबसे पहले स्वाद अनुसार नमक, एक ढक्कन और पकने देता है। 1 मिनट बाद ढक्कन हटाइए और अच्छे से भून लीजिए। सेम इसी तरीके से हमें सब्जियों को पकाना है, ढक्कन लगा दीजिए और बीच बीच में भूनते रहिए। अब 2-3 मिनट बाद ढक्कन हटाइए और अच्छे से चला लीजिए, और यहाँ पे आपने मिलाना है ये 1/2 चम्मच हल्दी और 1/2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर। अच्छे से चला लीजिए। अब वापस से ढक्कन लगाते हैं और इसे दम में पकने देते हैं। जब तक हमारी सब्जियाँ दम लगती है, आइए बेस ग्रेवी बना लेते हैं, जिसके लिए हम लेंगे प्याज 150 ग्राम कटा हुआ, 50 ग्राम काजू, 50 ग्राम मगज, 2 हरी मिर्च तोड़ के, 1/2 चम्मच हल्दी, 1 जावित्री तोड़ के, 4 इलायची हाथ से खोल कर डाल दीजिए, 2 तेज़पत्ते तोड़ दीजिए, और मिलाते हैं पानी, पानी उतना जिसमें प्याज डूब जाए, और इसे पकने देते हैं। आइए चेक कर लेते हैं, और ये देखिए सब्जियां हमारी अच्छे से दम लग गई है। अब इसे हम बाहर निकाल लेते हैं, और हम इसे निकालेंगे, हमने पूरी सब्जी निकाल ली है, और इसे अब ठंडा होने देते हैं। अब सेम तेल में हम डाल रहे हैं 1/2 चम्मच शाहजीरा, अब हम डाल रहे हैं 100 ग्राम चॉप प्याज, और इसे भूनेंगे। प्याज हमारा लाइट भुन गया है, अब हम ले रहे हैं 1/2 चम्मच जिंजर गार्लिक पेस्ट, और साथ में 1/4 चम्मच ग्रीन चिली पेस्ट, इसे भी भून लेंगे। प्याज हमारा हो गया है, अब डालेंगे हम थोड़ा सा पानी, और अच्छे से चला लीजिए। अब हम डालते हैं 1 चम्मच धनिया पाउडर, और 1/2 चम्मच जीरा पाउडर, 1/4 चम्मच देगी मिर्च, और चला लेते हैं। मिलाते हैं 100 ग्राम कटा हुआ टमाटर, और इसे भी अच्छे से भुनना है। मिलाते हैं थोड़ा सा नमक ताकि हमारा टमाटर गल जाए। जब तक हमारा टमाटर गलता है, हम येलो ग्रेवी को चेक कर लेते हैं। जब भी हम ग्रेवी बनाते हैं, तो ग्रेवी का एक थंब रूल होता है कि कलर जो है वो नेचुरल चीज़ों से आती है। अब येलो है तो येलो हल्दी से आएगा और सेफ्रन से आएगा। प्याज अच्छे तरीके से उबल गया है और मॉइस्चर पूरा पानी सूख गया है, सो अब गैस के फ्लेम को बंद करते हैं और इसे ठंडा कर लेंगे, और इसका एक पेस्ट बनाएंगे, और पेस्ट बनाने से पहले हम तेज़पत्ता को निकाल के बाहर कर देंगे। सो प्याज टमाटर का मसाला बन के तैयार है, अब इसे हम बंद कर देते हैं, और पहले हम बना लेंगे येलो ग्रेवी, और उसके बाद फिर सब्जियों को साथ में मिला के हम बनाएंगे मिक्स वेजिटेबल। ये 80 ml तेल है, हमारा तेल गर्म हो गया, अब हम मिला रहे हैं तेज़पत्ता 1 तोड़ के, 1 दालचीनी का टुकड़ा, 2 हरी इलायची हाथ से खोल के, 4 लौंग। मसालों को क्रैकल होने देते हैं। अब हम डाल रहे हैं 1 चम्मच जिंजर गार्लिक पेस्ट, और सबसे पहले हमें इसे भूनना है। हमारा पेस्ट बन के तैयार है, और अब हम मिला देंगे डायरेक्ट भूनते हुए जिंजर गार्लिक में, और थोड़ा सा पानी में बचे हुए पेस्ट को भी डाल के धो के और लगन में डाल देते हैं। मिक्स वेजिटेबल बनाने के लिए प्याज टमाटर के मसाले के साथ कुछ और बेस ग्रेवी की ज़रूरत पड़ती है, जैसे येलो, ब्राउन, रेड या वाइट। आज जो मैं सब्जी बना रहा हूँ उसमें मैं येलो ग्रेवी का इस्तेमाल करूँगा, इसलिए आपको दिखा रहा हूँ कि येलो ग्रेवी कैसे बनती है, आप गौर से देख लें। सो हमारा प्याज अच्छे से भून गया है, अब बना लेते हैं एक पेस्ट, और पेस्ट बनाने के लिए मैं ले रहा हूँ 20 ग्राम ब्राउन ऑनियन, 80 ग्राम दही। मैं आपको आसान तरीका बता रहा हूँ,
जैसे जब मैं प्याज उबाल रहा था तो मैंने काजू और मगज उसी में उबाल दिया। अब पानी डालेंगे और इसका एक पेस्ट बना लेंगे। पेस्ट बन गया है और आइए मिला देते हैं, चला लेते हैं। अब डालते हैं टमाटो प्यूरी एक चम्मच और ये दो, इसे भी साथ में पका लेंगे। अब मसालों में डालने के लिए जो पाउडर स्पाइस है वो इलायची और जावित्री का इस्तेमाल होता है, जो कि मैंने पहले ही जब प्याज उबाल रहा था उसी समय मैंने डाल दिया था और वहाँ पे मैंने उसका पेस्ट बना दिया था। आप धनिया पाउडर डाल सकते हैं, वो ऑप्शनल है, वैसे ज़रूरत है नहीं। यहाँ पे स्वाद अनुसार नमक डालेंगे। अब लास्ट में हम डालेंगे 50 ग्राम बटर। आप घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं यहाँ पे। ये ग्रेवी बहुत काम की होती है, आप इस ग्रेवी से बहुत सारे आइटम और बना सकते हैं। आप इस ग्रेवी को अपने फ्रिज में 2 से 3 दिन तक रख भी सकते हैं। अब लास्ट में हम डालेंगे 50 ग्राम क्रीम और चला लेते हैं। हमारी येलो ग्रेवी बनके तैयार है। आइए अब बनाते हैं मिक्स वेजिटेबल। हमारा प्याज मसाला अच्छे तरीके से भून गया है, अब थोड़ा सा यहाँ पे हल्का पानी डाल के पका लेते हैं। अब मसाला में उबाल आ गया, अब मिलाते हैं सब्जियाँ जिसको हमने दम मार के रखा था और अब अच्छे से हमें इसे चला लेना है। ध्यान रखिएगा सब्जियाँ सॉफ्ट हैं तो टूटे नहीं, अच्छे से पकने देते हैं। अब हम मिलाएंगे बेस ग्रेवी येलो जो हमने बनाया था। और इसे हम चला लेंगे। अब हम मिलाते हैं ग्रीन चिली, आप अपने स्वाद के अनुसार मिलाएं, चॉप करके मिला रहा हूँ मैं, चॉप अदरक, साथ में थोड़ा सा चॉप धनिया भी, और चला लेते हैं। अब लास्ट में हम डालेंगे हाथ से क्रश करके कसूरी मेथी। और पते की बात यह है कि सर्व करने से पहले आप जब गेस्ट को दे रहे हैं तो इसे चेक जरूर कर लीजिएगा, आपको अंदाज लग जाएगा कि आपका नमक मिर्च कितना है। मैं भी चेक कर लेता हूँ, परफेक्ट टेस्ट है। आइए सर्व करते हैं मिक्स वेजिटेबल 5-स्टार स्टाइल। मिक्स वेजिटेबल को हम सर्व करेंगे हांडी में, रेस्तरां और 5-स्टार होटल, आप कहीं भी जाएं आप मिक्स वेजिटेबल ऑर्डर करना नहीं भूलते। और जब आपके टेबल पे आता है तो आप उसको देख के मोहित हो जाते हैं, आपको सब्जियाँ खड़ी खड़ी दिखती हैं, स्वाद अच्छा दिखता है। लीजिए आज मैंने आपको बना के बता दिया। ऊपर से हम गार्निश करेंगे साबुत धनिया को क्रश करके। इसे बनाएं, ट्राई करें और आप हमारे चैनल को बताएं कि आपको ये रेसिपी